हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम घूमने जा रहे हैं रेगिस्तान मतलब डेजर्ट पर, और साथ में आज हम देखेंगे वाटर कैनाल और साथ में झाड़ियों के बीचों बीच एक अनोखा महादेव जी के मंदिर। तो क्या आप तैयार हैं? रुको, जरा सबर करो। उससे पहले आपको रेगिस्तान में मंदिर का दर्शन करवाते हैं। यह है हवन कुंड। इस मंदिर के दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान और रेगिस्तान ही दिखता है। यहाँ पे मंदिर में जो भी दर्शन करने आते हैं उन सब के लिए पानी की व्यवस्था भी की गई है, और आसपास से जो भी यात्री गुजरते हैं उनके लिए भी की गई है। तो चलिए अब चलते हैं रेगिस्तान की ओर। यहाँ से डेजर्ट स्टार्ट होता है और यहाँ पे आपको दूर दूर तक बस रेगिस्तान और रेगिस्तान ही दिखेगा। अभी तो आपको मिट्टी नॉर्मल सी दिख रही है, लेकिन आगे जाते जाते ये मिट्टी बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है, एकदम सफ़ेद रन हो जाता है यहाँ पे, और दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखता। तो वीडियो में बने रहिए। यहाँ की मिट्टी सफ़ेद दिखने लगती है क्योंकि यहाँ पे नमक का प्रोडक्शन बहुत होता है। यहाँ पे आसपास नमक की फैक्ट्री है और यहाँ पे नमक का लोडिंग अनलोडिंग सब यहीं पर होता है, इसकी वजह से यहाँ की मिट्टी सफ़ेद हो जाती है। रेगिस्तान का सफर खत्म हो गया और हम आ गए हैं वाटर कैनाल पे। अब हम जा रहे हैं चामुंडा माँ का दर्शन करने के लिए। चलो आपको भी दर्शन करवाते हैं। इस मंदिर में दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पे टूरिस्ट को रहने के लिए खाने पीने के लिए सब कुछ का इंतज़ाम किया हुआ है। आप भी माता जी का आशीर्वाद ले लीजिए। भगवान करे आपकी हर मनोकामना पूरी हो। Thank you.
मंदिर में आने के बाद एक अलग सी सुकून मिलती है। यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिविटी होती है चारों तरफ। A few moments later. इंतजार की घड़ियां ख़त्म हो गई। अब हम आ गए हैं शंकर भगवान जी के दर्शन करने, जो इस जंगल के बीचों बीच बनी हुई है। सबसे पहले आपको हम हनुमान जी का दर्शन करवाते हैं, जिनको हम संकट मोचन भी कहते हैं। अब इंतजार की घड़ियां ख़त्म हो गई है। अब हम जा रहे हैं शंकर भगवान जी के दर्शन करने। यही है वो शंकर जी का मंदिर, जो इस जंगलों के बीच कई सालों से है। तो आज हमने सबसे पहले डेजर्ट देखा, वाटर कैनाल देखा, चामुंडा माँ का दर्शन किया और फिर शंकर भगवान जी का दर्शन किया। अब हम चलते हैं घर की तरफ। अब हम आ गए हैं सब्जी की दुकान में कुछ सब्जियां खरीदने। देखिए यहाँ पे कितनी सारी सब्जियां हैं, वो भी ताज़ी ताज़ी सी। अब अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगले ब्लॉग में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।